तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है डीओई की तरफ से, उसके सॉल्यूशन को। तो फटाफट देख लो सॉल्यूशन। सेक्शन ए अपलोड है पूरा कंप्लीट, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। सेक्शन बी भी कंप्लीट अपलोड है, वो भी मिल जाएगा। सेक्शन सी भी अपलोड है, सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन बचे थे और सेक्शन डी पूरा बचा था, ठीक है। बाकी सेक्शन ई भी अपलोड है, सेक्शन ई भी अपलोड है केस बेस्ड क्वेश्चन, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर, मिड टर्म पेपर मॉर्निंग प्लस इवनिंग, प्री बोर्ड पेपर मॉर्निंग प्लस इवनिंग, जितने असेसमेंट आए हुए हैं सारे असेसमेंट के सॉल्यूशन हिंदी में प्लस इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है, देख सकते हो। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बस उसकी तैयारी कर लो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लो, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कमेंट में लिंक ओपन करके देख लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये भी एनुअल प्रैक्टिस पेपर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करना है, 28 से हमको 34 तक सोल्व करना है, बाकी सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, ठीक है, पूरे सैम्पल पेपर के, वो आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में पी क्यू लंब है एक्स वाई पर, देखो पी क्यू ये लंब है एक्स वाई पर, ए बी ये भी लंब है एक्स वाई पर, एम एन ये भी लंब है एक्स वाई पर, मतलब ये तीनों लंब हैं, ठीक है, हमको सिद्ध करना है। एक बटे एम एन प्लस एक बटे पी क्यू बराबर एक बटे ए बी के, ठीक है, प्रूव करना है। आंसर देखो ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए। आंसर नंबर 28 दिया है, सेम क्वेश्चन का लिख लिया गया, सिद्ध करना है, सेम क्वेश्चन में दिया लिख लिया गया, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आगे देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी क्यू, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर रहा हूँ, ए बी क्यू समरूप है एम एन क्यू के, देखो एम एन क्यू, कलर चेंज कर रहा हूँ, एम एन क्यू के, ठीक है। प्रॉपर्टी एंगल, एंगल यहाँ साइड में लिखा है, क्यों देखो ध्यान से, एंगल ए क्यू भी बराबर होगा एम क्यू एन के, ठीक है, एंगल ए बी क्यू बराबर होगा एम एन क्यू के, ये बराबर 90 का होगा, एंगल क्यू कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, दोनों में ये चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, समझने वाली बात यही है, ठीक है। यहाँ पर हमने रीज़न लिख दिया किस रीज़न से ये समरूप हो रहा है, ठीक है, देखो ए बी इसमें बटे एम एन लिखा गया बराबर होगा, इसको देखो बी क्यू ऊपर से बी क्यू इधर का भी साइड ले लो बटे एन क्यू के, इक्वेशन वन हो गया, सेम लिख दिया गया, ठीक है ना। फिर से देख लो एक बार, ए बी बटे एम एन लिखा गया बराबर होगा बी क्यू बटे एन क्यू के, ठीक है, इक्वेशन वन। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी एन, ध्यान से देखो ए बी एन ये वाला समरूप है पी क्यू एन के, पी क्यू एन के पूरे के, ठीक है। तो इसमें भी सेम क्या लिख सकते हो, ए बी बटे पी क्यू लिखा गया बराबर होगा इधर देखो बी एन बटे एन क्यू के, समझ में आया, इक्वेशन टू हो गया। आगे देखो, इधर ए बी बटे पी क्यू लिखा गया, बी एन देखो बी एन ध्यान से देखना, बी एन ठीक है, ये बी एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का नाम क्या है, एन क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम है एन क्यू, एन क्यू, इसमें से अगर हम इतना क्या है बी क्यू घटा देंगे तो बी एन के बराबर हो रहा है, वही चीज़ हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एन क्यू माइनस बी क्यू, देखो बी एन जो है बी एन, फिर से देखो बी एन जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं पूरे, पूरा क्या है एन क्यू माइनस इतना क्या है बी क्यू, तो वही बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया गया बटे एन क्यू, हमें प्रूव करना है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, ए बी बटे पी क्यू सेम लिखा गया, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो एन क्यू बटे एन क्यू, बी क्यू बटे एन क्यू माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग हो गया, ये तो कट गया एक बच रहा है, तो ए बी बटे पी क्यू यहाँ पर आ जाएगा एक, माइनस बी क्यू बटे एन क्यू
ए बी बटे एम एन क्यों लिखा गया, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखे हो, बी क्यू बटे एन क्यू, ये बराबर है किसके, ए बी बटे एम एन के। तो यहाँ पर ए बी बटे एम एन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, आगे देखो, तो ए बी बटे पी क्यू, ये इधर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा बराबर एक इधर बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें से हमने ए बी कॉमन कर लिया, ए बी कॉमन किया तो एक बटे पी क्यू प्लस एक बटे एम एन बचा। ठीक है ना, कॉमन नंबर बाहर है बराबर एक के, तो आगे सॉल्व करोगे एक बटे पी क्यू प्लस एक बटे एम एन बराबर ए बी, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा तो एक बटे ए बी के, और यही हमको प्रूव करना था, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो ये 28 का आंसर है, आंसर नंबर 28। जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 सिद्ध करना है। ठीक है, कोस ए बटे में एक माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे में एक माइनस कोट ए बराबर साइन ए प्लस कोस ए के। सॉल्यूशन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर नंबर 29 ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अब कोस ए लिख दिया, एक बटे एक हम लगा सकते हैं, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए के। फिर से समझो, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए के लिख लिया गया, प्लस पे प्लस साइन ए ऊपर का सेम लिखा गया, एक बटे एक लिखा गया, माइनस कोट ए बराबर होता है कोट ए, ये बराबर होता है कोस ए बटे में साइन ए के, तो ये लिख दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोस ए ऊपर का सेम लिखा गया, नीचे ये बटे एक लगा के लगाया गया, फ्रैक्शन किया जाएगा घटाया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोस ए का एक से करोगे कोस ए, फिर माइनस साइन ए, और बटे में कोस ए का एक से होगा कोस ए आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इधर भी साइन ए सेम लिखा गया, नीचे देखो साइन ए का एक से करोगे साइन ए, फिर माइनस पे माइनस कोस ए का एक से करोगे कोस ए, बटे में साइन ए का एक से करो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, ये बटे में है, ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब कि कोस ए ऊपर है आपका और ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा कोस ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोस ए कोस ए कोस ए स्क्वायर लिख दिया गया डबल टाइम है, और नीचे कोस ए माइनस साइन ए लिख दिया गया, प्लस पे प्लस सेम इधर सेम ऐसे, साइन ए नीचे वाला साइन ए ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर साइन ए माइनस कोस ए सेम लिख दिया गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, कोस ए स्क्वायर प्लस साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लेंगे इधर नीचे की साइड से, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, सेम ये लिख दिया गया ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, हर बराबर हो गया इसका। ठीक है, नीचे देखो माइनस कॉमन किया गया ना, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो दोनों तरफ नीचे माइनस माइनस सेम आ गया, तो हर बराबर है ना, तो क्या करेंगे, हर एक बार लिख लेंगे, यानी कोस ए माइनस साइन ए एक बार लिख लेंगे, ऊपर देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और इधर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक ब्रैकेट में कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, दूसरे में कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे कोस ए माइनस साइन ए सेम लिख देंगे, कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए बचेगा, मतलब कि राइट हैंड साइड हमारा निकल आएगा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 29 का आंसर हो गया, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बता देना। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आंसर देखो, आंसर नंबर 30 दिया है त्रिज्या 54 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 पाई। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई के पाई से पाई दोनों तरफ कट गया, ठीक है। तो थीटा बटे 360 आर पता है 54 डबल टाइम 54 × 54 बराबर 36 के, तो थीटा बटे 360 बराबर 54 × 54 बटे में आ जाएगा 36 / 54 × 54 हो जाएगा, ठीक है। चाप की लंबाई निकालना है, इसको यहीं पर रोक के चलो आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 टू पाई आर, तो थीटा बटे 360 बराबर किसके है 36 / 54 × 54 के, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, रख दिया, ठीक है ना। 2 / 2 पाई के मान 22/7 आर 54 रख दिया गया। देखो ध्यान से 54 से 54 कट गया, 2 से कट करो 2 + 1 = 2 ये आ जाएगा 27, 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 ऊपर क्या बचा 36 और 22 ऊपर लिखा गया, नीचे बचा 27 और 7 नीचे लिखा गया। ऊपर गुणा करोगे 792 नीचे 189 भाग करोगे तो 4.19 सेंटीमीटर आ जाएगा चाप की लंबाई, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी नहीं है डिफ़िकल्ट, बस फॉर्मूला और जो गिवन है उस पर फोकस करना है। आंसर नंबर 30 हो गया, ठीक है। अगला देखो, आंसर नंबर 30 का था एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये पूर्वाह्न 6:05 से 6:35 के दौरान मिनट की सुई द्वारा बुहार किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि वही जितना जितने का एंगल बना रहा है उसके बीच का जो क्षेत्रफल है निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर देखो, अथवा वाला आंसर देख लो आर यानी कि त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर, 60 मिनट में कोण 360 डिग्री का बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार पूरा सर्कल, ठीक है ना, जब घड़ी की सुई गोल गोल घूमती है तो एक मिनट में कोण 360/60 6 डिग्री का बनेगा। तो 30 मिनट में, अब 30 मिनट किधर से आया, देखो 6:05 की बात कर रहा था और 6:35 तक, तो 5 से 5 माइनस हो गया, 30 मिनट की बात हो रही है, तो 30 यहाँ से आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 6 × 30 कर देंगे 180, थीटा हमें पता चल जाएगा, क्या थीटा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा पर क्या रखेंगे 180/360 पाई का मान 22/7 आर पर 6 × 6 स्क्वायर है डबल टाइम, ठीक है। सॉल्व कर लो, 180 × 180 = 360 2 से कट करो 2 + 1 = 2 22 को 11 आ गया 11 6 6 ऊपर नीचे 7, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो 396/60 डिवाइड कर लेना 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना है, कुछ भी खास नहीं है, बस ये समझना है थीटा क्या निकालोगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ये अथवा का आंसर हो गया, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 1 और 100 के बीच की संख्याओं में से यादृच्छया एक संख्या चुनी गई, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य नहीं है, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। आंसर देखो, 1 से 100 के बीच की, 1 से 100 के बीच की बात कर रहा है, आंसर देखो, आंसर नंबर 31, आंसर 31 1 से 100 के बीच के लगा लेना, लिखा नहीं है, ठीक है ना। कुल संख्याएं तो 2 से लेकर 99 तक, अब समझो कितनी हो जाएंगे 98, 1 और 100 को हटा दो 98 बच रही हैं, ठीक है। तो 8 से भाज्य संख्या, पहले 8 से भाज्य का मतलब 8 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आ रही है, वो 2 से 98 तक होनी चाहिए। तो 8 का पहाड़ा काउंट कर लो, 8 × 8 = 8, 8 × 9 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 32 = 32, 8 × 5 = 40, 48 / 56 = 64 / 72 = 80, 8 और + करो 88 और 8 + करो 96, ठीक है ना। तो टोटल ये कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 12, ठीक है। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 12 और टोटल कुल परिणाम 98, 12/98 सॉल्ट कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 6/49, ठीक है, समझ रहे हो, ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये कैसे सॉल्ट करोगे, 2 से कट किया 2 × 6 = 12 और 2 से नीचे कट करो 2 × 4 = 8 2 × 2 = 18 6/49 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा था 8 से भाज्य ना होने की प्रायिकता, तो मतलब जब भी ना पूछे, पहले आप पॉसिबल निकाल लिए हो, उसके बाद में अगर ना होने की बात कर रहा है तो एक में से घटा दो, तो हम क्या कर देंगे 1 - 6/49, ठीक है ना, जो पॉसिबल है उसको माइनस कर देंगे, तो 1 लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई 49 × 49 6 × 6 और नीचे को नीचे से 49 × 49 में से 6 घटा दो 43/49, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, क्लियर है, अच्छे समझना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला थर्ड कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मतलब 2 से लेकर 98 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 1 तो 4 है, अब 4 कैसे है 2 × 2 कितना आ गया 4,
नौ है, नौ कैसे, तीन गुणे तीन, तीन तीन नौ, सोलह है, चार गुणे चार, चार चौक सोलह, इसी प्रकार समझते रहना। पच्चीस, छत्तीस, उनचास, चौंसठ, इक्यासी है, काउंट करो कितने हैं ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, ये कितने हैं आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ और बटे टोटल, टोटल अठानबे, सोल्ड कर दो से, एट बाई नाइन्टी एट सोल्ड कर दो, तो दो चौके आठ और नीचे आ जाएगा, ये ट्वेंटी नाइन नहीं आएगा, ये आ जाएगा दो चौके आठ, एक अट्ठारह, दो नीम अठारह, फोर्टी नाइन। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको लिखना है चार बटे उनचास आएगा, ठीक है ना, गलत लिख दिया गया, ट्वेंटी नाइन नहीं आएगा, ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, चार बटे उनचास आ जाएगा। अगला देखो, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय रूप से निरूपित कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं और वाई अक्ष के बीच बनता है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है, एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह, तो आंसर देखो 32 का, आंसर नंबर 32, पहला इक्वेशन एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः है, सबसे पहले x प्लस तीन वाई बराबर छः, तो इस समीकरण के दो हल निकालेंगे, कम से कम दो, तो एक बार x पर जीरो रखो, एक बार y पर, तो x बराबर जीरो रखा, तो x पर जीरो प्लस तीन वाई बराबर छः, तो तीन वाई बराबर छः, y बराबर छः बटे तीन, दो आ गया, x पर जीरो रखा, y आ गया दो, फिर से y बराबर जीरो रखेंगे, तो x प्लस तीन वाई बराबर छः, तो x प्लस तीन गुणे y पर जीरो बराबर छः, तो x बराबर छः आ गया, y पर जीरो रखा, तो x आ गया छः, दो हल हो गए। इसी प्रकार दूसरा समीकरण, दो वाई सॉरी दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह, तो एक्स बराबर जीरो रखेंगे, तो दो एक्स पर जीरो माइनस तीन वाई बराबर बारह, तो दो को जीरो किया जीरो, माइनस तीन वाई बराबर बारह, तो वाई बराबर माइनस बारह बटे तीन, वाई आ जाएगा माइनस चार, तीन चौक बारह माइनस चार, ठीक है। दूसरा हल निकालेंगे, तो वाई पर जीरो रखेंगे, तो वाई पर जीरो रखेंगे, तो आ जाएगा एक्स छः, ठीक है। तो ये दो हल इसके हो गए और दो हल इसके हो गए। अब हमें क्या करना है, पहले आलेख आप ग्राफ पे बनाना, मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो ध्यान से, इसमें x पर 6 है, y पर 2, इसमें x पर 6 है, y पर माइनस चार है, तो x पर हमें 6 चाहिए, y पर 4, न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें x, इसमें y माइनस का है और x प्लस का है, तो ये x हो गया, 6 तक इसको काउंट कर लिया, y हो गया 4, होना चाहिए माइनस चार में, 6 तक 8 तक कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 2, इसका देखेंगे 0 2, तो ये ए पॉइंट मान लिए इसको, ठीक है ना, ए बिंदु पर आ गया, एक्स पर जीरो, वाई पर दो, इधर आ गया, एक्स पर छः है, वाई पर जीरो है, तो ये आ गया छः जीरो, ठीक है ना, इसको मान लिया हमने सी। इस इक्वेशन में आ जाओ, जो इसका हल निकाले हो, एक्स पर सबसे पहले जीरो है, वाई पर माइनस चार है, तो ये आ गया एक्स पर जीरो, वाई पर माइनस चार, इसको मान लिया बी, ठीक है। और फिर एक्स पर छः, वाई पर जीरो, सेम यहीं पर आ रहा है। अब दोनों लाइनों को, यानी दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाओ, इसको मिलाया इस प्रकार, इसको मिलाया इस प्रकार, तो ये हमारा बन गया, देखो ध्यान से, ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी त्रिभुज बन गया, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊँचाई। अगर हम ऊँचाई की बात करें, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये ऊँचाई हो गई त्रिभुज में, और ये आधार की बात करें, तो ये भी छः है, देखो ध्यान से, एक दो, फिर इधर एक दो तीन चार, चार दो छः है, ठीक है। तो एक बटे दो, छः गुणे छः, आधार भी छः, ऊंचाई भी छः, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो दो से कट करो, दो एकम दो, दो तियाँ छः, एक तीन छः, दो तियाँ छः, ठीक है, एक यहाँ तीन आया छः, और गुणा कर लो कितना आ जाएगा, दो तियाँ छः, तीन छः अट्ठारह, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 वर्ग यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप ग्राफ पर बनाना, अच्छे से बनाना, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना, ठीक है, आंसर नंबर 32 है। अगला देखो, अगला इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लो, 32 का अथवा वाला। लखमीत ने अलग अलग बैंकों में एक निश्चित राशि का निवेश किया, बैंक ए
10% और बैंक भी 12% वार्षिक ब्याज देता है। उसने वार्षिक ब्याज के रूप में 2940 प्राप्त किए। यदि वह बैंकों में निवेश की गई राशि को आपस में बदल देता है, मतलब 10% 12% के हिसाब से 12% 10% कर देता है, तो वार्षिक ब्याज के रूप में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। उसने बैंक ए और बैंक बी में कितना पैसा निवेश किया, हमें पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका आंसर। आंसर नंबर 32 का अथवा, माना लखमीत ने बैंक ए में निवेश किया 100 रुपये तथा बैंक बी में निवेश किया 100 रुपये। प्रश्नानुसार सबसे पहले एक्स का 10% प्लस वाई का 12% बराबर हो रहा है 2940 के। ठीक है, तो एक्स का 10% एक्स गुणे 10 और जहाँ पर परसेंट होता है उसके नीचे हम 100 लगाते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक्स गुणे 10/100 प्लस वाई का, फिर वाई पर वाई, का पर गुणे का निशान, 12/100 बराबर 2940 का। सोल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 10x/100, ये हो जाएगा 12y/100 बराबर 2940 के। 100 से गुणा कर दो, इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो गुणे 100, ध्यान से देखो 100 से 100 कट गया, 10x बच रहा है। इसमें भी गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 12y बच रहा है। इसमें भी 100 से हम गुणा करेंगे तो 20 और आगे बढ़ जाएगा, समझ गए। तो पूरे में 100 से गुणा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये आ जाएगा, समझ गए ना, इक्वेशन वन हो गया। अगला देखो, इसी प्रकार फिर से क्या कह रहा है कि ब्याज दर जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से एक्स का 12% हो जाएगा और इसमें वाई का 10% हो जाएगा। ठीक है, बदलाव हो रहा है ना, और उसमें 60 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो जो मिला था उसमें हम 60 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स का 12% एक्स गुणे 12/100 प्लस वाई का 10% वाई गुणे 10/100, मैंने बताया ना 100 क्यों लगाया जा रहा है, परसेंट में है। ठीक है, ध्यान रखना बराबर। अब इसमें इसको प्लस कर दो, 3000 आ जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी, 100 से गुणा करने पर सब में गुणा होगा, इधर गुणा करोगे 100 से तो 100 से 100 कट गया, 12 के एक्स से होगा तो 12x आ जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा करोगे आप तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 का वाइस करोगे 10y आ जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा करोगे आप तो 20 और बढ़ जाएगा, समीकरण 2 हो गया आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, विलोपन अप्लाई करेंगे तो समीकरण 1 में गुणे 6 से गुणा कर रहे हैं और 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 10 से करो 60, 6 का 12 से करोगे तो 72। इसी प्रकार यहाँ पर गुणा करके लिख दिया गया, तीनों में 6 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार इतना आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। और उसके बाद में समीकरण 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये समीकरण 2 है आपका, 5 से इसमें भी गुणा कर देना, 5 से इसमें भी कर देना, 5 से इसमें भी, तो ये 12 × 5 = 60 आ जाएगा, 10 × 5 = 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक ना, अब देखो ध्यान से, टोटल समीकरण 3 और 4 हो गए हैं तो हम लिख देंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो प्लस का निशान माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये 60 से 60 कट गया। 72 में से 50 घटाएंगे तो 22y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22y। ठीक है, क्योंकि हमें x या y एक को काटना होता है तो हमने एक काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद में इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे, तो y बराबर ये 264,000 बटे में 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 12,000, y आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है आपका, ऊपर देखो ध्यान से, 10x + 12y बराबर 294,000। ठीक है, तो लिख लिया गया और यहाँ पर 10x पर 10x, 12 पे 12, वाई पर रखेंगे 12,000 गुणे के निशान लगा के बराबर 294,000। ठीक है, तो 10x सेम लिखा गया, 12 × 12,000 कितना आ जाएगा, 144,000। ठीक है, बराबर 294,000 के, तो ये इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 150,000। ठीक है, तो x बराबर 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15,000 x का मान आ जाएगा, तो y आ गया 12,000, x आ गया 15,000, ये हमको निकालना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, देखो ध्यान से, आंसर नंबर 32 का अथवा। ठीक है,
जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और फिर उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करके निम्न को सिद्ध भी करना है। ये ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन किए गए हैं, दोनों का आंसर देख लो एक बार। आंसर नंबर 33 में सबसे पहले सिद्ध करने वाला आंसर देख लो, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया, बुक से पिक खींचा है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर मिस्टेक है, ये आप ए मान लो और ये मान लो बी, ठीक है। ए मान लो, बी मान लो, ध्यान रखना के ऊपर ए मान लो और आर को बी मान लो, ठीक है। तो देखो दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त बिंदु पी से, ये पी है बिंदु से, इस पर से रेखाएँ पी ए तथा पी बी हैं, पी ए पी बी हैं। सिद्ध करना है पी ए ये बराबर पी बी के लिख दिया गया, तो ओ को ए तथा बी से मिलाओ, ओ को ए से मिला दो, बी से मिला दो, त्रिभुज ए ओ पी तथा सॉरी त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी ध्यान से देखो, ओ ये ए माने हो ना और ये बी मानो, ध्यान रखना ओ ए पी तथा ओ ए बी में, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, दोनों क्या हैं बच्चों, त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में ओ पी क्या है, ये ओ पी है ना, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, इसमें भी इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लिखा गया है। एंगल ओ ए पी, ओ ए पी ये वाला एंगल, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ये वाला बराबर होगा ओ बी पी के, ओ बी पी के इसके, और कितने का होगा ये 90 का होगा, समकोण है ध्यान रखना, इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे आर एच एस रूल से, इसीलिए पी ए बराबर पी बी के होगा, पी ए ये पी ए बराबर पी बी के होगा, क्यों, सी पी सी टी से, ठीक है। ये प्रूव हो गया, इसमें ध्यान रखना इसको आप के को ए लिख लेना, आर को बी लिख लेना, तो एक चीज़ प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन भी बोल रहा था, देख लो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो हमें ये भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया, आप समझो ध्यान से, ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन वन हो गया। ए आर बराबर ए क्यू, देखो ध्यान से, ए आर समझो, समझने वाली ही बात है, ए आर बराबर ए क्यू के, क्यों स्पर्श रेखाएँ, समीकरण दो हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को लिख सकते हैं पूरा, क्या है, ए बी माइनस ए आर, ए बी में से अगर हम ए आर घटा देंगे, ध्यान से समझो, ए बी में से अगर हम ए आर इतना घटा देंगे तो वही मिल रहा है, कितना, ए आर, ठीक है, तो ए आर ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए बी में से ए आर घटाएंगे, इधर ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को, ए क्यू इसको हम लिख सकते हैं ए सी, पूरा क्या है, ए सी, ए सी पूरा है, ए सी, ए सी में से क्या घटाते हैं, ए क्यू, ठीक है, तो ए क्यू ही हुआ, हटाने की बोल रहा है, ए सी में से हम ए क्यू घटा देंगे, तो ए बी में से ए आर घटा दो, जब ए बी में से ए आर घटाओगे तो बचेगा कितना बच्चों, बी आर, तो बी आर लिखा गया, ए सी में से ए क्यू घटा दो, पूरे ए सी में से ए क्यू इतना घटा दो, पूरे ए सी में से ए क्यू, तो बच रहा है सी क्यू, समीकरण तीन हो गया। लेकिन सी क्यू बराबर सी पी के है, सी क्यू बराबर सी पी के है, देखो सी क्यू बराबर सी पी के, क्यों, स्पर्श रेखाएँ हैं। इसी प्रकार बी आर, बी आर, बी आर बराबर होगा बी पी के, क्यों, स्पर्श रेखाएँ हैं, तो बी पी बराबर सी पी भी है, ठीक है। देखो बी पी बराबर है सी पी के, क्यों, पी मध्य बिंदु है सी बी का, ठीक है, ये जो बी सी है ना पूरा सी बी, ये पी क्या, इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो दोनों भाग बराबर होंगे, ये आपको समझना है, अतः आधार स्पर्श बिंदु द्वारा समद्विभाजित होता है, हो गया प्रूफ, ठीक है ना, और ये दोनों बराबर हैं ही, क्लियर है, ये हो गया। तो सबसे पहले आप ये लिखना और यहाँ पर ध्यान रखना, ये ए मान लेना, ये बी मान लेना, ये प्रूव करना है आपको, और उसके बाद में आपको ये भी लिखना है आंसर नंबर 33 में। अगला क्वेश्चन देखो, 33 का अथवा वाला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो पहले हमको ये प्रूव करना है और फिर हमें मान भी निकालना सी ओ ए का इस डायग्राम में, ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें भी हैं। आंसर देखो, आंसर नंबर 33 का अथवा, तो अथवा हम पहले प्रूव करने वाला देख लो, ये भी ऊपर नीचे है, ये आपकी बुक से पिक मैंने क्लिक की है, ठीक है, तो वही है, तो ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया है, ये ठीक है वृत्त है,
और एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ओ पी एक्स वाई पर लंब है, ओ पी जो है एक्स वाई पर लंब है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लीजिए, क्यू ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और ओ क्यू को मिलाइए, ओ क्यू को मिला दिया, ठीक है। बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होना चाहिए, ठीक है ना, ये क्यू बाहर है। यदि क्यू वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी, अतः ओ क्यू त्रिज्या ओ पी से बड़ी है, अर्थात ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, ठीक है ना, लिख दिया, क्योंकि यह बिंदु पी के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ओ पी और बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसीलिए ओ पी एक्स वाई पर लंब है, ओ पी जो है ये एक्स वाई पर लंब है, प्रूव हो गया, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना था, मान भी निकालना है, तो इसका आंसर देख लो, ध्यान से समझो। त्रिभुज सॉरी एंगल डी ए बी बराबर 90 है, देखो डी ए बी बराबर 90, प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पूरे त्रिभुज में ध्यान से देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 के, तीनों एंगल को मिलाने पर 180 होगा, पता है आपको, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट, ए कितना है 90, बी कितना है 50, डी का पता नहीं है, बराबर 180 के, इन दोनों को जोड़ोगे 140 प्लस एंगल डी बराबर 180, तो एंगल डी बराबर 180 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, डी आ गया आपका 40, यानी ये आ गया 40। अब देखो एंगल ओ सी डी में, ओ सी डी एंगल ओ सी डी सॉरी एंगल ओ सी डी ओ सी डी ये वाला एंगल बराबर 40 के होगा और बराबर एंगल डी के होगा ये भी, ठीक है। ओ सी बराबर ओ डी के होगा, ओ सी बराबर ओ डी के, ध्यान से देखो ओ सी बराबर ओ डी के होगा, बराबर हो जाए के विपरीत कौन है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो एंगल सी ओ ए बराबर सी ओ ए, सी ओ ए बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी ओ सी के, एंगल डी सी ओ के, डी सी ओ के इन दोनों के, क्यों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस हिसाब से बाहर स्थित कोण है ना, तो ये डी कितना निकालो आप, डी देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल डी 40 है और ये भी कितना है आपका 40 ही है, ठीक है, ये भी 40 ही है, ठीक है, ये 40 है, तो 40 40 80, और यहाँ पर लिख देना रीजन में वाह कोण गुणधर्म, ठीक है ना, वाह कोण गुणधर्म, तो ये आ जाएगा एंगल सी ओ ए, सी ओ ए आपका आ जाएगा 80, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 34, दर्शाइए कि एक ही क्रम में लिए गए बिंदु 3 0 4 5 माइनस एक 4 माइनस 2 माइनस एक एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखो, आंसर नंबर 34, ठीक है, आंसर नंबर 34 हमने सम चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, दूरी सूत्र आपको पता है, ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले हम चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड ए बी, ए बी, अब समझो ए बी निकाल रहे हैं, तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो डायरेक्ट मैंने लिखा है एक्स टू कितना है आपका, एक्स टू ये हो गया, एक्स वन ये हो गया, वाई वन ये हो गया, वाई टू ये हो गया, ठीक है ना। तो एक्स वन चार माइनस एक्स टू, चार माइनस एक्स वन तीन, प्लस वाई टू पाँच माइनस वाई वन ज़ीरो, एक समझ लो ध्यान से, ताकि आपको बार बार समझने की दिक्कत ना हो। ये आपका तीन है एक्स वन, ज़ीरो है वाई वन, चार है एक्स टू, पाँच है वाई टू, इसकी वैल्यू रख दी गई है सेम फॉर्मूले पर, और सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, रूट 26। इसी प्रकार अब ए बी के लिए था, ये बी सी के लिए निकालो, बी सी के लिए अब इन दोनों पर फोकस करना, सेम एक्स वन वाई वन सेम ऐसे मानना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो आएगा रूट 26। इसी प्रकार सी डी, सी डी भी निकालोगे तो सी डी पर इन दोनों को देखना है आपको, सी डी पर फिर से सेम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मानकर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 26। इसी प्रकार ए डी क्या निकालोगे, ए डी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए डी के हिसाब से ये ए और ये डी इन दोनों को देखना है, एक्स वन वाई वन, ठीक है ना, मान लेना कितना आएगा, रूट 26, सब में सेम आ रहा है ना, ध्यान समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से हम ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लेंगे, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी के, क्योंकि चारों तो बराबर निकल रहे हैं ना आपके, चारों बराबर निकल रहे हैं, तो जब चारों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज सॉरी इसीलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है।
तो विकर्ण एसी निकाल लेंगे, विकर्ण एसी हमें क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण एसी ध्यान से देखो, एसी एसी, तो एसी के लिए ये और ये देखना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मानकर, तो क्या निकलेगा बी डी एसी निकालेंगे तो रूट 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर से सेम दूसरा विकर्ण बी डी, अब बी डी के लिए अब इन दोनों पर फोकस करना है, फिर से एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मान के सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बी डी भी आ जाएगा, कितना आएगा रूट में 72, ठीक है। अब ये क्यों निकाला गया, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 डी वन इंटू डी टू, मतलब विकर्णों का गुणन फल, और विकर्ण हम निकाल चुके हैं। विकर्ण क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये जो बी डी है और ए सी है ये विकर्ण हैं, और इन्हीं दोनों को गुणा करके लिखना है फॉर्मूले के साथ, इसलिए यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। ये दोनों तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 डी वन रूट 32 डी टू यानी विकर्णों का गुणनफल रूट 72। अब आगे सोल्व करेंगे तो हम 1/2 32 को लिख सकते हैं रूट में 16 × 2, 16 × 32, 72 को 8 × 72, 8 × 9। अब ये 4 × 16 जोड़ा बन गया, मतलब कि वर्गमूल है, 4 निकला है, रूट 2 सेम लिख दिया गया, 9 × 3 = 9 = 3 निकलेगा, और 8 का फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 × 2 मतलब 1 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर निकलेगा, 1 × 2 ऐसे रूट में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम ध्यान रखना, तो 2 से ये कट करोगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 √3 √2। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर 2 √3 √2 ये √2 √2 का भी जोड़ा बन जाएगा, 2 निकलेगा बाहर से, 2 लिख देंगे, ठीक है। इनका गुणा करोगे तो 2 × 2 = 4 × 3 = 12 × 24 वर्ग यूनिट आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही हमको निकालना था। तो फिर से देख लो आप 34 में, ये देखो, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके बारी बारी हमने इसको सॉल्व किया है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्ण निकाल लिए हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करके हमने आंसर इन दोनों के माध्यम से निकाल लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न आंकड़ों का माध्य 53 है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में हमको दिया, टोटल भी दिया 100। तो इसका आंसर देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आंसर नंबर 35, अब देखो CIFI लिख लिया, ठीक है, कुछ हमने किया नहीं है। अगला बॉक्स XI का बनता है, तो इसका आधा करते हैं, 0 = 20 यानी 0 + 20/2, मतलब कि 20/2 मतलब कि 10 आया, 10 आ गया। इसी प्रकार आगे 20 से 40, तो 20 + 40/2 यानी कि 40 = 20 = 60/2 मतलब कि आ गया 30, तो आगे 30 आ गया। इसी प्रकार 40 = 60 = 100/2 50 आ जाएगा, 2 निकाल लो बस, 30 और 10 के बीच में कितने गैप है 20 का, जोड़ते चलो, 10 = 20 = 30 = 50 = 70 = 90 ऐसे भी आ सकता है, नहीं समझ में आया तो इनका प्लस करके आधा कर लिया करना, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला बॉक्स बनेगा FI XI का, तो FI XI 15 × 10 = 150, F1 का 30 से करेंगे, 30 F1, ध्यान रखना यहाँ पर 30 F1 होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर 21 का 50 किया 1050, F2 का 70 से करेंगे 70 F2, 17 का 90 से करेंगे 1530, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये टोटल दिया हमको 100, और इसको टोटल करेंगे 150, 1050, 1530 जोड़ेंगे 2730, 30 F1 + 70 F2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस लगा के, ये इसमें नहीं जुड़ेगा। अब इसको प्लस करेंगे 15 = 21 = 17, तो आएगा 53, और प्लस में F1 F2 भी साथ में लिख देंगे, बराबर किसके होगा, 100 दिया है, 100 के बराबर होगा, ठीक है, तो 100 के बराबर होगा, तो F1 + F2 बराबर 53 इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा, तो F1 + F2 आएगा 47। समीकरण 1 आपका हो गया। अब माध्य का फॉर्मूला लगा दो, σFI XI / σFI माध्य क्वेश्चन में दिया है, 53 रख दिया, और σFI XI यहाँ पर आप निकाल चुके हो, कितना 2730 + 30 F1 + 70 F2 इधर लिख लिया, और σFI क्वेश्चन में दिया है, चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, और चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, तो इसमें गुणा करना पड़ जाएगा, तो हम 100 रख देते हैं, आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने σFI की वैल्यू रख दी 100, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, माध्य पर माध्य, σFI XI पर उसकी वैल्यू, σFI पर 100 दिया है, रख दिया, 1/2 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2730 + 70 F1
सॉरी प्लस 30 एफ वन प्लस 70 एफ टू सेम इधर आएगा, एक से गुणा होगा और इधर 53 का 100 से गुणा होगा 5300 आ जाएगा। 2730 को 5300 की साइड भेजेंगे, नंबर को नंबर की साइड, तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा 30 एफ वन प्लस 70 एफ टू बराबर 5300 में से 2730 घटाएंगे तो आ जाएगा 2570। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, इधर भी भाग करेंगे, इधर भी, तो इधर आ जाएगा 3F1, इधर 7F2, इधर आ जाएगा 257। 00 कट हो जाएगा हर तरफ, यह ध्यान में रखना है। तो नंबर को सॉल्ट करने के लिए 10 से भाग कर दिया गया ताकि नंबर छोटा हो जाए, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन लगाएंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 सबसे पहले देख लो, ये है F1 प्लस F2 बराबर 47। तो हमें करना क्या है, 3 से गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि 1 बराबर हो जाए। तो आ जाएगा 3F1 प्लस 3F2 प्लस 141, समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 कैसे आया फिर से समझ लो, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा किए हैं तो 3F1 3F2, ठीक है, और 47 में भी 3 से गुणा करेंगे तो 141 आ जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 2 है। तो एक या तो F1 को बराबर करो या तो F2 को, तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा किया गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 से 3 घटाएंगे तो ये लिख लिया गया, वही समीकरण 2 क्या है, 3F1 7F2 माइनस 257 लिखा गया, और ये समीकरण 2 और 3 क्या है, 3F1 3F2 141 लिखा गया। अब हमने यहाँ पर लिखा घटाने पर, तो निशान बदल देंगे बच्चों, माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 7F2 में से 3F2 घटाएंगे, 4F2 बराबर 257 में से 141 घटाएंगे 116, तो F2 बराबर 116/4, तो कितना आ जाएगा, 4 4 2 8, 3 36, 4 9 36, F2 आ गया 29। F2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 ऊपर से देख लो क्या लिखे थे, यही है आपका F1 प्लस F2 बराबर 47। आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो, लेकिन जिसमें नंबर ज़्यादा हो उसमें मत रखा करो, जिसमें नंबर कम हो उसमें रख दो। तो इसमें नंबर कम है, आंसर तो वही आएगा आपका F1 प्लस F2 बराबर 47। तो F1 F2 पर रख दिया हमने 29 बराबर 47, F1 बराबर 47 माइनस 29 कितना आ गया आपका 18। अब F2 29 है, F1 18 है। अगर आपको आंसर चेक भी करना है तो कैसे चेक करोगे, टोटल यहाँ पर F1 और F2 पर वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे ना, ये टोटल करोगे बच्चों, ये पूरा टोटल करोगे F1 और F2 की वैल्यू रखकर, तो आपका 100 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा समझ लो आपने गलत किया है, चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये 35 आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट है तो बता सकते हो। F1 आ गया 29, F2 आ गया 18, ठीक है। आगे देखो सेक्शन ई, अब ये सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कमेंट चेक कर लो, कमेंट में आपको सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, CBSE प्रैक्टिस पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, प्री बोर्ड पेपर, सबके आंसर मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट असेसमेंट जो टेस्ट में आए हुए थे, ठीक है ना, उनके सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिल जाएंगे, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, घबराना नहीं है। पेपर आपका इजी आएगा, अलग अलग सेट आएंगे, सब में क्वेश्चन इजी आएंगे, घबराने से कुछ नहीं होता, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।